नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रश्मि और एक बार फिर हाजिर हूं लेकर कुछ ऐसी जानकारियां जो सरोकार रखती हैं देश की आधी आबादी से। तो चलिए रुक करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की तरफ। जानेंगे क्या है वेस्टनाइजेशन का बढ़ता प्रभाव, इसी विषय पर चर्चा करेंगे मीना तिवारी से। देखेंगे क्या है न्यू मैनेजमेंट ट्रेंड्स और उससे जुड़े करियर के विकल्प। देखेंगे सिल्वर स्टोन कॉम्बिनेशन में मौजूद ज्वेलरी की नई रेंज को। जानेंगे किस तरह फार्मेसी के क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं लड़कियां। ले चलेंगे आपको एक नेशनल यूथ फेस्ट में। जानेंगे किस तरह देश की प्रगति में अपना योगदान दे रही है आधी आबादी। आइए अब चलते हैं हमारी अगली रिपोर्ट की तरफ और जानते हैं कि किस तरह अपने प्रयासों से देश की प्रगति का हिस्सा बन रही हैं युवा लड़कियां। आज फैशन वर्ल्ड की ग्लैमरस और चकाचौंध जिंदगी ने बिजनेस वर्ल्ड में भी अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। यही वजह है इस इंडस्ट्री में करियर की अपार संभावनाएं सामने आई हैं। इसलिए आज लड़कियां इस फील्ड में अपने हाथ आजमा रही हैं, ताकि वो भी रितु बेरी की तरह विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान बना सकें। लगभग 48 या 52 अपैरल ट्रेनिंग और डिजाइन सेंटर्स देश भर में हैं और उनके सैटेलाइट सेंटर्स हैं जहाँ पे एक छोटे तौर पे ट्रेनिंग होती है, बेसिक गारमेंट्स, गारमेंटिंग, सोइंग, साइजिंग। शायद ये लड़कियों का एम्पावर होना एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे भी एजुकेशन की फैसिलिटीज सबको पहुंचाई जा रही हैं, आपको मालूम होगा कि एक एक्ट बन गया है जिसमें एजुकेशन बेसिक राइट है। तो क्योंकि लड़कियां कुछ डेकेड्स के बाद निकल रही हैं और ये एक नेचुरली लड़कियों के स्वभाव और टैलेंट का फील्ड है, इसीलिए लड़कियां यहाँ हैं। अपैरल मैनेजमेंट रियली गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट यू आर इन, एक्सप्लोर हाउ यू एज एन इंडिविजुअल कैन ग्रो। गारमेंट इंडस्ट्री वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑल्सो इंडिया के लिए, तो स्कोप बहुत वाइड है इसका। फैशन इंडस्ट्री में बढ़ते हुए कंपटीशन को देखते हुए हाल ही में इंस्टीट्यूट द्वारा इग्नू यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया गया है, ताकि इन लड़कियों को फील्ड की डिमांड के हिसाब से तैयार किया जा सके। इसके अलावा इनको टाइम टू टाइम इंडस्ट्रियल विजिट पर भी ले जाया जाता है, जिससे ये फील्ड की बारीकियों को समझ सके। जो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट नॉर्मली होता है वो पूरा स्किल में ओरिएंटेड नहीं है, सो इसमें एक दो फायदा एक टाइम में मिलता है, स्किल भी मिल जाता है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी मिल जाता है। सो हम लोग का ये एक नया अपॉर्चुनिटी और नया विंडो हम लोग ओपन किया है और उसमें हमारा उम्मीद है स्टूडेंट्स को ऐसा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, ज़्यादा इंटर्नशिप और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी एक्सपोजर का उनको आगे वाले दिनों में और मिलेगा। जो इग्नो है वो अभी उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी बताया है और जो हमारा अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है वो इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। तो अभी तक ये होता था कि इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री दो अलग अलग डायरेक्शन में काम करते थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब एक बड़ी यूनिवर्सिटी और एक बड़ा काउंसिल साथ मिलके जो सबसे इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं, जो आज इंडस्ट्री को जिस प्रकार के प्रोफेशनल्स या जिस प्रकार के कोर्सेज या जिस प्रकार के स्किल्स की ज़रूरत है, तो जो अभी इंडस्ट्री की प्रेजेंट जो नीड्स हैं उसको कैटर करने के लिए हमने सोचा कि ये प्रोग्राम्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और इग्नो के साथ सबसे बड़ी बात है, इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट ये दिखता है कि ये काफी लार्ज पैमाने पर इस काम को किया जा सकता है। आज एजुकेशन के साथ साथ पर्सनैलिटी का डेवलप होना भी जरूरी है, ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए रैम शो, कल्चरल एक्टिविटीज और सेमिनार्स का आयोजन भी किया जाता है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होता ही है, साथ ही उनकी पर्सनैलिटी भी ग्रूम होती है। ये इंस्टीट्यूट हैज बीन क्रिएटेड बाय द इंडस्ट्री फॉर द इंडस्ट्री, तो हमारे तो यही प्लान है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को हम ट्रेन करें, नए नए प्रोग्राम्स लाए रिटेल मैनेजमेंट में, फैशन मैनेजमेंट में। हमने नवी मुंबई में एक कैंपस खोला है, यहाँ पे कैंपस खोला है। हमारा ये भी होप है कि कोलकाता, बेंगलोर, यू नो, सो दैट वी कवर द एंटायर कंट्री, नए नए कैंपस खोले और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर स्टूडेंट्स इंडस्ट्री को दें। अपैरल मैनेजमेंट रियली गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट यू आर इन, एक्सप्लोर how you as an individual can grow. You have the freedom to do whatever you want to, but you get to learn the skills how to be better. The best thing is they are always ready to help us, be there whenever we need them. Communication, attitude, jo humko hasil kar sakta hai, wo attitude har ek mein hona bahut zaruri hai. Confident attitude. Wo jo chota chota shahar mein bhi bahut sare students aate hain, unko bhi kuch karne ka, kamyab hone ka kuch
यू नो उत्सुकता है उसमें, वो भी बाहर लाना बहुत ज़रूरी है। कॉलेज की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, लाइक द लाइब्रेरी, वी गॉट अ ह्यूज नंबर ऑफ बुक्स हियर जिनको हम कंसल्ट कर सकते हैं। देन आईटी लैब है, वहाँ तो कंप्यूटर्स होते हैं, और उसके अलावा गारमेंट कंस्ट्रक्शन लैब है जहाँ पे पैटर्न मेकिंग होती है। आज अपैरल इंडस्ट्री का नाम उन क्षेत्रों में गिना जाता है जहाँ पैसों के साथ साथ शोहरत भी मिलती है, और जिस रफ्तार से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उससे आने वाले समय में इसमें जॉब्स की भरमार होगी। ऐसे में करियर ओरिएंटेड लड़कियों के लिए ये फील्ड उनको एक नई पहचान दिलाने में मददगार साबित होगा।